हेलो दोस्तों, एम आर सी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ अफजल आलम। आज हम जानेंगे डिहाइड्रेटर के बारे में, जिसे ड्रायर नाम से भी जाना जाता है, फिल्टर ड्रायर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होने वाले फिल्टर ड्रायर के बारे में आज हम जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्या पहचानने का तरीका है। पिछला वीडियो मैंने पोस्ट किया था आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। अगर वो वीडियो को आप अब मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि जो भी वीडियो हम पोस्ट करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अभी मेरा हर एक टॉपिक पर वीडियो आ रहा है। अभी आज का मेरा जो टॉपिक है डिहाइड्रेटर का है, तो अपना जो फिल्टर ड्रायर है, फिल्टर ड्रायर दो प्रकार का होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होने वाला फिल्टर ड्रायर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन रिफिलेबल और एक होता है रिफिलेबल। दोनों का पहचानने का एक सिंपल तरीका है, आपका जो नॉन रिफिलेबल रहेगा ड्रायर उस पूरा सील रहेगा, और खास करके ये सील टाइप यूनिट में यूज होता है, हर्मेटिक में आपका जो है नॉर्मल डीएक्स यूनिट में, पैकेज यूनिट में ये आपका नॉन रिफिलेबल यूज होता है ड्रायर। और जो भी ज्यादा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का जो यूनिट होते हैं उसमें आपका ये रिफिलेबल यूज होता है। तभी हम आपको बताएंगे कि कैसे मालूम करेंगे इसको। ये तो आप नॉन रिफिलेबल जो है ये पूरा सील्ड रहेगा, दोनों पाइपलाइन से ज्वाइंट रहेगा लिक्विड लाइन में, तो आप इसको नट बोल्ट कहीं नहीं रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पूरा जो है अगर खराब होता है ये, तो आपको पूरा ये ड्रायर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिफिलेबल में क्या ऑप्शन है कि ये इसमें नट बोल्ट से टाइट किया हुआ रहता है, इसके अंदर जो ड्राइंग एजेंट रहते हैं सिर्फ आप ओनली इसको चेंज कर सकते हैं। इसका पूरा बॉडी रहेगा, इसके अंदर इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर जो भी है, अपना यूनिट जो चल रहा है उसके स्टेटस पूरा आप सेंड करके उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा इसके अंदर का कैचुअल कोर। तो बाद में आप इसको खोल करके इसमें लगा सकते हैं। ये लगभग खराब हो जाता है, कभी सिस्टम में एयर घुस गया, नमी वगैरह, ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ड्रायर जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लगाने से जो है हमारा सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो है उसके अंदर जो भी नमी आता है ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो बड़ा प्रॉब्लम होने से जो है ये उसके पहले ही ये एब्जॉर्ब करके सही करता है। तो अभी हम आपको डायरेक्टली दिखाएंगे वीडियो में। अभी चलिए हमारे साथ आप वीडियो में देखिए कि आपको नॉन रिफिलेबल फिल्टर ड्रायर दिखाते हैं और दूसरा आपका रिफिलेबल फिल्टर ड्रायर, दोनों आपको ड्रायर दिखाते हैं। चलिए आप खुद देख करके पहचान जाए कि कौन आपका रिफिलेबल है, कौन नॉन रिफिलेबल है। जी हाँ, आप देखिए, अभी मैं आपको बोला कि देखिए रिफिलेबल और नॉन रिफिलेबल को कैसे पहचानेंगे, तो आप खुद देख के पहचान सकते हैं कि रिफिलेबल है कि नॉन रिफिलेबल है। इसमें देखिए कहीं पे भी इसको खोलने का ऑप्शन नहीं है, नट बोल्ट नहीं है इसमें, डायरेक्ट पाइप इधर से ज्वाइंट किया हुआ है, इधर से पाइप ज्वाइंट किया हुआ है। जब ख़राब होएगा तो भल बंद करके इसके बाद पूरा चेंज करना पड़ेगा इसको। और इसमें देखिए एक डायरेक्शन शो हो रहा है, मतलब रेफ्रिजरेंट हमारा इस साइड से फ्लो हो रहा है। यह डीएक्स यूनिट है, ये अपना देखिए लिक्विड लाइन, ये लिक्विड लाइन में ही ड्रायर लगा रहता है, तो लिक्विड लाइन इधर आया इसके ज़रिए और यहाँ पर देखिए ड्रायर लगा हुआ है। तो ये हमारा नॉन रिफिलेबल है। अभी आपको चलिए दिखाता हूँ रिफिलेबल, तो आपको पहचानने में आसानी होगी। हाँ दोस्तों, तो फिर देखिए अभी हम ये ड्रायर के पास आए हैं। इसके पहले वीडियो आप देखे और नॉन रिफिलेबल था, अभी देखिए रिफिलेबल। इसका पहचानने का तरीका क्या है, इसमें नट बोल्ट देखिए लगा हुआ है पूरा, ठीक है। एक बगल से रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है ये साइड से, ऊपर से कंडेंसर से आ रहा है, बाद में इधर से अपना निकल करके ये साइड से देखिए निकल करके इधर जा रहा है। इसके अंदर जो है अपना ड्राइंग एजेंट इसके अंदर डाला हुआ रहता है, इसके अंदर ड्राइंग एजेंट डाला हुआ रहता है। तो आप इसको खोल करके और इसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ स्प्रिंग से ये प्रेस दिया किया हुआ रहता है, खोल करके इसको आप सिर्फ ओनली चेंज कर सकते हैं। ये पूरा मॉडल चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन रिफिलेबल में पूरा सिस्टम हटाना होगा, यहाँ से डिसनेक्ट करके उधर से डिसनेक्ट करके दोनों लाइन से, लेकिन इसमें आप ये हटा सकते हैं। तो ये हम आपने जाना आज कि रिफिलेबल और नॉन रिफिलेबल में क्या डिफरेंस है, तो आप अच्छे से पहचान सकते हैं हमें उम्मीद है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह दूसरा नेक्स्ट वीडियो दूसरे टॉपिक पर बनाएंगे, वो जल्द ही पोस्ट करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।